तो बड़ी खबर देख सकते हैं आखिरकार कामयाबी हाथ लगी है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, चोरी कर नौकरानी का मामला जो घर में करनाल पुलिस चोरी कर कर लाखों रूपये के जेवरात चोरी करके फरार हो गए थे, आरोपी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। आज के समय में नौकर रखो या नौकरानी, अच्छी वेरिफिकेशन करके रखनी चाहिए। लाखों रूपये के जेवरात लेकर फरार हो गई थी, ये बड़ी खबर देख सकते हैं। उसके साथ ही एक और आरोपी को भी गिरफ्तार कर दिया जाता है। ये बड़ी खबर इस समय हरियाणा के करनाल से समय आप देख सकते हैं। आखिरकार नौकरानी को उसके एक अन्य साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। तो बड़ी खबर देख सकते हैं, आखिरकार नौकरानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। सावधान रहने की जरूरत है, लाखों रुपए की जेवरात लेकर उड़ गई थी ये नौकरानी, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। अब मुंह ढका हुआ है नौकरानी ने, उसके साथ एक अन्य साथी ने। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। ऐसे बहुत से मामले निकलकर करनाल में सामने आ रहे हैं। आप इस तरह का ध्यान जरूर रखें, कोई भी अगर नौकर नौकरानी रखे तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन के करनाल से समय जहां गिरफ्तार कर लिया जाता है, कोर्ट में पेश करके जेवरात जो है बरामद कर लिया गया, करने के बाद रिमांड ली गई है। और अब करनाल पुलिस जो है आप देख सकते हैं जुड़ी हैं। तो बड़ी खबर देख सकते हैं, आखिर बगैर वेरिफिकेशन के रखी, उसके साथ करीबन 20 से 22 लाख रुपए की जो ज्वेलरी है। डीएसपी साहब इस समय हमारे साथ मौजूद है, सर क्या कुछ बताना चाहते हैं? देखिए पहली बात तो मैं अपील करना, बिना वेरिफिकेशन के ना गए, तारीख आपको बताया अभी, तो उसमें यही अपील की जाती है कि भाई बिना हाउस टाइम में वो लोग जाग रहे थे, गैंग के अनुसार इसको भेजा था वहां पे, जल्दी बरामद कर दिया सर। जी जी, तो लोगों से नौकरना, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, बड़ी खबर देख सकते हैं। सेक्टर 7 में एक बड़ी चोरी फरार हो जाती है, उसके साथ अन्य 3 और गैंग था जिन्होंने, ऐसी और भी हो सकता है, बहुत सी बड़ी खबर देख सकते हैं। आखिर चाहता नाम पुलिस को देख सकते हैं, चोरी कर नौकरानी का गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये बड़ी नौकर रखो या नौकरानी देख सकते हैं। उसके साथ ही एक और बड़ी खबर इस समय हरियाणा के समय आप देख सकते हैं। तो बड़ी खबर करनाल पुलिस ने पकड़ लिया, और इस समय डीएसपी साथ में गरिमा जी थी, तो संपर्क जो भरत से हुआ, तो 20 तारीख तक वो रहे वहाँ पे। उसके बाद अनीता और दूसरे जैविन को जो है अरेस्ट किया है, अरेस्ट करने मसल है और जैवीर है, तो वो सारे जो उनके जो जितने ऑर्नामेंट्स थे इनके, तो मंगलसूत्र है, 18 लाख के आसपास।